चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। आज से 3 दिनों तक रांची में गहमा गहमी रहने वाली है। आज झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन उद्योग और विस्थापन नीति की मांग को लेकर राजभवन मार्च करेगा। वहीं कल आदिवासी छात्र संघ समेत कई संगठन भी विधानसभा का घेराव करेंगे। 23 मार्च को कई आदिवासी संगठन CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन लूट समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करेंगे। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए रांची के बाहर के लोग भी शहर पहुंच रहे हैं। वहीं कोविड को देख इस तरह के विरोध प्रदर्शन को प्रशासन की इजाजत नहीं है। एहतियातन जिला प्रशासन ने शहर के 4 मैदानों मोरहाबादी, प्रभात तारा, धुरमा, हरमू, अरगोड़ा और शहीद मैदान में धारा 144 लागू कर दी है। यानी यहां पर प्रशासन के अलावा एक साथ 5 लोग जमा नहीं हो सकते। इसके बावजूद लोगों का जुटान होने पर प्राथमिकी और गिरफ्तारी होगी। और हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए तैयारियां तो बहुत की गई हैं, खतियान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन को लेकर बहुत सारे संगठन अब मुखर हो रहे हैं। और अब आज जब सत्र शुरू हो रहा है वापस, तो विरोध प्रदर्शन भी होगा, विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम है। तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी है, लेकिन संगठन भी अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिद पर अड़े हैं। बिल्कुल, देखिए आने वाले 3 दिन जो है आरती, वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण। एक तो तमाम जो आदिवासी संगठन है, जो मूलवासी संगठन है, वो लगातार इस बात को लेकर आप कह सकते हैं सड़क पर है, स्थानीय नीति के मसले पर, नियोजन नीति के मसले पर, भाषा विवाद के मसले पर, और CNT एक्ट का जिस तरीके से राज्य में उल्लंघन हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है इन संगठन के समक्ष। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि 3 दिन, आज से लेकर 2 दिन, 3 दिन तक लगातार जो है राजभवन के समक्ष प्रदर्शन, घेराव, इसके अलावा विधानसभा का भी घेराव का कार्यक्रम है। हालांकि कोविड गाइडलाइन के मद्देनज़र प्रशासन ने तमाम तरह के एहतियात जरूर बरते हैं, और जो 4-5 जो प्रमुख मैदान है जहां भीड़ इकट्ठा होती है, जहां बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे धुरुआ शहीद मैदान की बात कर ले, मोरहाबादी मैदान की बात कर ले, प्रभात तारा मैदान की बात कर ले, हरमू मैदान की बात कर ले, तो ऐसे तमाम जगहों को प्रशासन ने चिन्हित कर वहां धारा 144 लगाया हुआ है। यानी कि एक साथ 5 लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो प्रशासन की अपनी तैयारी है कि किसी तरीके से राज्य की हालात या माहौल को ख़राब ना होने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भाषा विवाद को लेकर या फिर स्थानीय नीति को लेकर, वर्तमान नियोजन नीति को लेकर जिस तरीके से विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब मुश्किल हो रही है। इन संगठन ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और स्वतः आंदोलन हो रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि बोकारो में रन फॉर खतियान को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया, बड़ी तादाद में लोग जुटे, और इस तरीके से छोटे छोटे पॉकेट्स में हर जगह इस तरह से जो संगठन है, आदिवासियों का जो संगठन है, जो मूलवासियों का संगठन है, वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर है। तो सरकार के लिए चुनौती है, जिला प्रशासन के लिए चुनौती है कि कैसे इनसे निपटा जाए, शहर का माहौल ख़राब ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और आज से चूंकि विधानसभा का सत्र जो है बजट सर, उसकी एक लंबे छुट्टी के बाद, यानी होली की छुट्टी के बाद आज से उसकी शुरुआत भी होने जा रही है, तो इन तमाम मसलों को लेकर आप देखेंगे कि सदन में भी आपको गर्माहट महसूस होगी, और सड़क पर तो इसको लेकर आंदोलन तेज हो ही रहा है। आरती, चलिए नजर बनाए रखिए राकेश, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर बागमारा के तेलमोचो चेक पोस्ट पर देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया है, और इसी को देखते हुए सभी गाड़ियों की तलाशी ली गई और वाहन सवार लोगों से पूछताछ की गई। राज्य भर में स्थानीय नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं रविवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर में भाषा संस्कृति संघर्ष समिति के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस के जरिए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। प्रदर्शन कर रहे झारखंड भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना था कि वो हर हाल में 1932 खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति के अधिकार को लेकर रहेंगे। आज इसको लेकर समिति के लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर से माता मर रहे हैं, फिर से माता मर रहे हैं, फिर से माता मर रहे हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।